दिल्ली के अंदर जैसा कि सब लोग जानते हैं, दिल्ली के आम लोग, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और हमारी पार्टी पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन कर रही थी। कल केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के अंदर हरदीप पुरी जी की अध्यक्षता में, जो केंद्रीय मंत्री हैं, एक मीटिंग रखी गई। उसके अंदर एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, MOUD के और दिल्ली की तरफ से AG साहब मौजूद थे। और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रीडेवलपमेंट प्लान किया जा रहा था, जिसके अंदर 17,000 पेड़ों को काटे जाने की आशंका थी, उस प्लान को केंद्र सरकार दोबारा से सोच रही है। केंद्र सरकार उसको दोबारा से रीप्लान करेगी ताकि पेड़ ना कटें। और मंत्री जी ने यहाँ तक कहा है कि मैं एक भी पेड़ नहीं कटने दूंगा। हमारी सिर्फ इतनी विनती है कि ये बात ट्विटर पे कहते हुए एक बार 4 तारीख को जब हाईकोर्ट के अंदर ये मुकदमा आएगा, वहां भी केंद्र सरकार एफिडेविट पे ये बात कह दे MOUD मंत्रालय की तरफ से कि हम एक भी और पेड़ नहीं कटने देंगे। क्योंकि हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद भी 4 दिन पहले भी एक पेड़ कट रहा था, जिसको पुलिस को रिपोर्ट किया गया, उसके अंदर कोई FIR दर्ज नहीं हुई। आज हमारे सामने मौके पे सरोजनी नगर के अंदर एक पेड़ कट रहा था, विमलेंदु झा ने उसकी कंप्लेंट की, ट्विटर पे हरदीप पुरी जी को टैग करके भी लिखा, मगर उसकी भी कंप्लेंट FIR में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुई है। एक बात अच्छी ये हुई है कि जब केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने बैठक करके ये फैसला लिया कि ये रीडेवलपमेंट प्लान जो था उसको हम बदल रहे हैं, इससे दिल्ली के लोगों को ये बात साफ हो गई कि ये प्लान जो बदल रहे हैं वो वही बदल रहे हैं जिनका एक प्लान था। उस प्लानिंग में भी दिल्ली सरकार का चुना हुआ कोई मंत्री शामिल नहीं था, और जो कल रीप्लानिंग की मीटिंग हुई है उसमें भी कोई चुना हुआ मंत्री शामिल नहीं था। कल को पेड़ कटता है तो उसके लिए जरूर हमारे मंत्री के किसी के सर पे इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा, मगर कल भी जब दिल्ली के भविष्य में इतना बड़ा फैसला किया जा रहा था तो वहां पर दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर को, दिल्ली के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को किसी को नहीं बुलाया गया था। खुद MG साहब सहरा पहन के वहां उस मीटिंग के अंदर शामिल हो गए और दिल्ली के लोगों का प्रतिनिधित्व किसी ने भी वहां पे नहीं किया। और अब हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो रीडेवलपमेंट प्लान है वो दिल्ली के लोगों के सामने लाया जाए, नया प्लान जो है वो सामने लाया जाए, और केंद्र सरकार के काबिल मंत्री हरदीप पुरी जी अब दिल्ली वालों से कम माफी मांग ले कि उनके 3 फैसले अब तक ऐसे हुए हैं जिससे वो जाने जाते हैं, जिससे दिल्ली के लोगों को पता चला है कि MOUD में कोई मंत्री है। पहला था सीलिंग का, जिसके लिए वो बहुत जाने गए। दूसरा था मेट्रो के किराया बढ़ाने का, जिसके लिए भी उनकी बहुत तारीफ हुई दिल्ली में। और तीसरा उनका जो फैसला था वो 17,000 पेड़ काटने का था, जिनकी तारीफ जो है आज तक चल रही है। तो हरदीप पुरी जी दिल्ली वालों से इस बात के लिए खेद व्यक्त करें कि उनके 3 फैसलों से दिल्ली का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। धन्यवाद।